अरुण जी, एक बहुत ऊंचे विचारक, चिंतक, चाहे एक विधिवेत्ता के नाते, एक कुशल वित्त मंत्री के नाते, उनकी एक अपनी पहचान थी जो देश के बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग में उनकी एक अपनी पकड़ थी और बुद्धिजीवी वर्ग उनको एक अलग से उनको एक सम्मान की दृष्टि देखता था। कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने प्रारंभ से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के महासचिव भी रहे, अध्यक्ष रहे। कभी भी उन्होंने अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया। वे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या अन्य संगठनों के जो वैचारिक दृष्टि से नज़दीक हैं, उनका ये रहता था कि भाई अनुशासन किसी भी हालत में नहीं तोड़ना चाहिए, हमारे जीवन में शुचिता चाहिए, संस्कार चाहिए, और अपना जो उद्देश्य है, अपना जो ध्येय है, हम क्यों राजनीति कर रहे हैं, वो स्पष्ट रहना चाहिए। और इसलिए अरुण जी कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, स्पष्ट सोच थी, स्पष्ट दिशा थी जिस पर उनको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है। हजारों कार्यकर्ता उन्होंने खड़े किए जो पार्टी को लंबे समय तक मजबूती प्रदान करते रहे। आज अरुण जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। उनके परिवार में उनकी जो पत्नी है वो भी आजकल कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही हैं, बच्चे हैं, उनको ईश्वर इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अरुण जी का जाना एक पार्टी या विचारधारा की क्षति नहीं है, बल्कि एक तरह से वो देश की ताकत थे, ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।